हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ पर मेरी ट्रेनिंग चल रही है जो कि 7 मेंबर की है और ये चालू हुई थी 16 तारीख को, अब 20 को ख़त्म होगी, मतलब कल ख़त्म होगी और अच्छे नोट्स के साथ ख़त्म होगी। और यहाँ पर हमारे जो 7 स्टूडेंट हैं उनमें से एक यहाँ पर है। पहले मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ इनका। इनका नाम है सुरेश और ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से हैं। और इनका एक्चुअली जो प्रोफेशन रहा है वो CRT में है और इन्होंने अपना जो LCD LED TV का कैरियर स्टार्ट करने के लिए और कर ही रहे हैं, ऐसे बैकलाइट वगैरह का काम और बहुत कुछ काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो कन्फ्यूज़न था इनका LED TV के बारे में वो सारे दूर करने के लिए यहाँ आए। तो मैं पहले इनसे ही पूछ लेता हूँ कि ये कैसे आए, इनको मेरा परिचय कैसा हुआ, मेरा परिचय आपके साथ कैसे हुआ, मतलब आप मुझे जानने कैसे लगे? वीडियो में आपने वीडियो देखा था। ओके, वीडियो देख के ये मुझे जानने लगे थे। और आपको मतलब लगा कि ट्रेनिंग लेनी चाहिए इसलिए आप आ गए, है ना? ठीक है। आपका कोई सवाल था, शायद आप पूछना चाहते थे, कोई आपको डाउट रह गया था इन 3 दिनों में जो प्रॉब्लम्स हमने सिखाए और आपको कुछ चीज़ जो डाउट रह गई है वो आप पूछना चाहते थे, आप अपने दर्शकों को भी बोल सकते हैं। हाँ, वो क्या था डाउट? वो मेरे को थोड़ा सा एक डाउट था सर। अभी कोई कोई टीवी में डबल LVDS टिकॉन बोर्ड को कनेक्ट होता है। ओके, फिर वहाँ से भी डबल निकलेगा पैनल को, वो FFC केबल होता है। टिकॉन से जो पैनल को जाता है FFC केबल होता है, डबल LVDS टिकॉन में जा रहा है। ठीक है, ओके, मैं समझ गया। हाँ, वो बोर्ड तो डेड हुआ, वो बोर्ड मदरबोर्ड, मेन बोर्ड डेड हो गया है। आप ये चाहते हैं कि इसमें यूनिवर्सल बोर्ड लगाना है, और आपको कोई ऐसा ऑप्शन चाहिए कि जिसमें आप यूनिवर्सल बोर्ड, नॉर्मल यूनिवर्सल बोर्ड को उस पैनल के साथ पिक्चर तक देख सके। ठीक है, सब कनेक्ट करना है तो उसके लिए बीच में एक कन्वर्टर बोर्ड आएगा जो कि टिकॉन बोर्ड ही है एक तरह का, जिसमें टिकॉन की तरह बाकी सप्लाई नहीं बनेगी, लेकिन वहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट होके एक IC होगी जिससे 3.3 वोल्ट बन रहा होगा और उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो 3.3 पे काम कर रही होगी। वो प्रोसेसर क्या करेगी कि आने वाले 30 पिन के इनपुट सिग्नल को कन्वर्ट करके डबल LVDS 50 Hz पैनल बना देगी। ये 50 Hz पैनल है, सॉरी 120 Hz पैनल है ये। ठीक है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो भी हो रहा है आपके सामने लाइव हो रहा है, ये अनकट एडिशन है, मतलब इसमें नो एडिटिंग, हम जो भी दे रहे हैं आपके सामने दे रहे हैं। ये 120 Hz की पैनल होती है, दैट मीन्स एक जो LVDS है वो 60 Hz का सिग्नल प्रोवाइड करती है और एक LVDS 60 Hz का। इसमें 2 Full HD के सिग्नल्स कनेक्ट होते हैं जिसमें से एक LVDS के साथ वोल्टेज प्लस सिग्नल होता है, मतलब सप्लाई के साथ सिग्नल, और एक में मात्र सिग्नल सप्लाई नहीं होता है, दोनों में Full HD कनेक्शन जाता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 1920x1080 के 2 LVDS केबल्स कनेक्ट होते हैं पैनल को, टिकॉन को। तो यहाँ पर आपका जो बोर्ड निकल जाता है उसकी जगह पे यहाँ पर कन्वर्टर बोर्ड लगाएंगे आप। बोर्ड निकल गया, आप यूनिवर्सल बोर्ड कनेक्ट कर रहे हैं, तो 30 पिन से डबल LVDS बनाने वाला एक कन्वर्टर मार्केट में मिलता है, आपको वो ऐड करना है। फ़ोटोज़ मैंने आपको जो आपको ई बुक दी है उसके अंदर ऑलरेडी एडेड है, वो कौन सा कन्वर्टर है वो आपको पता चल जाएगा, आप वो फ़ोटो दिखा के आप मार्केट में ले सकते हैं। ठीक है, यस। सो ताली बजाइए इनके लिए क्योंकि इन्होंने 4 दिन की ट्रेनिंग पूरी की है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे दूसरे स्टूडेंट हैं जो कि आप कहाँ से आए, आप पहले अपने सभी श्रोताओं को बता दें कि आप कहाँ से आए। सर, ना पेर ईश्वर अंडी, मैं विशाखपट्टनम जिले से आरोपी नीचे वी मैं आंध्र प्रदेश। बहुत फास्ट बोल गए, चलो मैं स्लोली बता देता हूँ। ये आंध्र प्रदेश से, इनका नाम ईश्वर है, और आपको कितना साल का एक्सपीरियंस हुआ है CRT TV का? टोटल एक्सपीरियंस कितना है CRT TV का अभी तक का? 7 साल से, मतलब अभी तक, मतलब 7 साल पीछे काउंट करना है। ठीक है, इनको 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है CRT का,
और अभी आप एलईडी टीवी में एक्सपर्ट बनने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आए, आपको कैसे पता चला कि मेरी ट्रेनिंग यहाँ चलती है? आपका यूट्यूब तो एक साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ सर। ओके, मतलब यू आर माई ग्रेट फैन। ओके, और ये मेरे फैन हैं पंखे और जो कि ये ट्रेनिंग लेने आए मुझे यूट्यूब पे देख के, और मैं कोई इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ दोस्तों, रियली मैं डाउन टू अर्थ आदमी हूँ, मतलब मैं जमीन को छू कर चलने वाला इंसान हूँ। मैं कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कितना ऊंचा हो गया हूँ, नहीं, मैं अभी भी ऐसा सोचता हूँ कि मेरे वही दिन हैं 2016 वाले जो अभी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छी मुझे खुद को तालीम मिल गई, खुद से ही मिली, मुझे कोई ट्रेनर नहीं मिल पाया। चलो वो एक चीज़ है कि मुझे अच्छी बात लगती है उसमें, क्यों, मुझे ट्रेनर नहीं मिला इसलिए मैं खुद से सीख कर आज ट्रेनर बना हूँ। आज इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कम बैक करना चाहते हैं इस फील्ड में, उन सभी को मैं यहाँ पर कम बैक करने में पूरा सफल हो रहा हूँ। उनमें से ही एक ईश्वर भाई हैं जो कि आंध्र प्रदेश से हैं, जो CRT के हिटमैन थे, मतलब सचिन तेंदुलकर थे, लेकिन जैसे ही LED TV आया सचिन से वो द्रविड़ बन गए। ओ सॉरी, कौन सा क्रिकेटर है जो कम बैटिंग करता है, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, जो भी है वो कम बैटिंग करने लग गए, ठीक है। सो आपका अभी मेरे को लगता है कि आप हर बॉल पे सिक्स मारेंगे इस ट्रेनिंग के बाद। यस यस, अभी तो चौथी दिन की पूरी हुई, आखिरी दिन में मेरे वीडियो प्रेजेंटेशन जो होता है उसमें जितनी शिकायत होती है आपकी मैं TV पे दिखा के पूरी करता हूँ, तो वो पूरी तो कल हो ही जाएगी आपकी, जितने भी पेंडिंग वर्क्स हैं, ठीक है। 5 दिन तो काफ़ी नहीं होता है कोई भी चीज़ सीखने के लिए ABCD से, लेकिन कोशिश ये रहती है मेरी कि ये 5 दिनों में मैक्सिमम टॉपिक हम कवर करें, और बाकी के जो टॉपिक अनकवर्ड हैं वो जूम एप्लीकेशन एंड फ़ोन कॉल्स के थ्रू, वीडियो कॉल्स, हम जो व्हाट्सअप वीडियो कॉल्स करते हैं या टेलीग्राम से वीडियो कॉल करते हैं, आप मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म से मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं जहाँ भी फंसते हैं, ठीक है। मैं समय दूंगा आपको उसके लिए, ठीक है। तो मतलब मैं एक सवाल पूछना आपको। हाँ पूछिए। सैमसंग में वाइट डिस्प्ले आता है सर? सैमसंग में वाइट डिस्प्ले का फॉल्ट है। चलो मैं कुछ सवाल आपसे रिटर्न पूछूंगा, ठीक है। क्या उसमें आवाज़ आती है? आवाज़ नहीं है सर, ओनली डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले आता है। आपने AV चेंज करके देखा कोई, मतलब आपने कोशिश की है कि इनपुट देके AV थोड़ा चेंज करके देखूं कि उसमें आवाज़, एक्चुअली AV मोड चेंज हो गया हो, इनपुट जहां दे रहे हैं आप वो प्रोसेस नहीं हो रहा, कुछ और हो रहा है जो कि नो सिग्नल है, तो आवाज़ नहीं आएगा, तो आपने वाइट डिस्प्ले है। तो देखो मैं ये मान के चलता हूँ कि आवाज़ भी आ रही है, ठीक है। अगर जो आवाज़ आ रही है और वाइट डिस्प्ले है, और वाइट डिस्प्ले का मतलब बैकलाइट ओके है, ठीक है, और ऑन ऑफ क्लियर है, मतलब बंद चालू रिमोट से होता है, ओके, एवरीथिंग इज़ क्लियर, जस्ट आपका TV में पिक्चर जो है वो नहीं आ रहा है, तो आपको पैनल एरिया चेक करना चाहिए, ठीक है। पैनल एरिया में क्या क्या चीज़ें हैं जो चेक करेंगे आप? मैंने जो बताया आपको, या 3.3 और ओके, ये सभी वोल्टेजेस आप चेक करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या फॉल्ट पैनल के इस भाग में है या पैनल के अंदर के भाग में है या मदरबोर्ड में है। अगर जो मदरबोर्ड में है फॉल्ट, तो कहाँ पर फॉल्ट हो सकता है वो? LVDS केबल, नो डाउट। LVDS केबल की कौन सी सिग्नल में फॉल्ट हो सकता है वो? नहीं, LVDS से थोड़ी CKV सिग्नल फ्लो होता है, CKV सिग्नल तो लेवल शिफ्टर IC बनाती है। LVDS केबल से जो इनपुट होता है वो RX0 से लेके RX3 लाइन एंड सप्लाई होती है, जो 12 वोल्ट या 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट जो पैनल लगी हो, हाँ। तो यहाँ पर जो LVDS सिग्नल में से कौन सा जो सिग्नल है जो नो पिक्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? RX2 एंड RX क्लॉक है ना, ये डेटा एनेबल्ड पिन है, डेटा एनेबल्ड सिग्नल्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इन सिग्नल के साथ कुछ भी गड़बड़ी होगी तो वो रिजल्ट होगा नो पिक्चर, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? रिजोल्यूशन चेंज, आपकी पैनल 1920 हॉरिजॉन्टल पिक्सल है और 1080 वर्टिकल पिक्सल्स में बनी हुई है, और आपका जो डेटा, जो आप LVDS डेटा से इनपुट हो रहा है जो,
वो 1366/768 का हो तो पिक्चर नहीं बनेगी, तो आपको सॉफ्टवेयर चेक करना है। सॉफ्टवेयर किस में होता है? फ्लैश में, राइट। तो फ्लैश आईसी स्केलिंग का काम करती है। स्केलिंग मीन्स ओरिजेंटल एंड वर्टिकल पिक्सल को फिक्स करने का काम उसके अंदर होता है, ठीक है ना। तो स्केलर बोर्ड कहाँ पर होता है? मदरबोर्ड में, जो कि 25L सीरीज की जो नॉर फ्लैश होती है उसके अंदर, या तो नैंड फ्लैश जो होती है उसके अंदर, राइट। सो आपका डाउट अब क्लियर हो गया? ओके। अभी अगर जो पैनल साइड में हुआ तो आपको क्या क्या वोल्टेजेस चेक करने होंगे, और उसमें से एक है गामा वोल्टेज। गामा वोल्टेज किस तरह के होते हैं? 16 वोल्ट से स्टार्ट होते हुए कम होते हुए ऑर्डर में वो 0.4 वोल्ट तक लास्ट गामा सिग्नल होगा। जैसे VGM में 16 वोल्ट होगा तो VGM में 22.4 वोल्ट होगा। ये इसके बीच के जितने भी सिग्नल्स है 2, 3, 4 गामा के, उसमें एक एक वोल्ट का या आधे वोल्ट का डिफरेंस में घटते हुए ऑर्डर में होगा, राइट। गामा सिग्नल चेक करना है, वीकॉम चेक करना है, लेकिन मैंने वीकॉम का फॉल्ट बताया अभी अभी आपको, किस टाइप का होता है आप नहीं बोलेंगे। या देखिए नेगेटिव पिक्चर है ना, नेगेटिव स्लो मोशन। या स्लो मोशन कैसे? स्लो मोशन तो VGH का फॉल्ट हुआ ना, नेगेटिव नेगेटिव पिक्चर। अभी डरे हुए हैं ये ईश्वर, क्योंकि ये इनको भी स्टेज फियर है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ गया होगा, समझ में आ गया होगा, और प्रैक्टिकली तो आप बहुत कुछ अचीव करेंगे, ठीक है ना। देखिए VGS स्लो मोशन के लिए होता है, हाँ नो पिक्चर भी कभी कभी होता है उसकी वजह से, लेकिन वाइट डिस्प्ले नहीं होगा। वाइट डिस्प्ले का कारण होता है गामा वोल्टेज, या क्या दूसरी चीज़, AVDD सप्लाई नहीं बन रही हो, कुछ पैनल्स में वाइट डिस्प्ले होती है, ठीक है। ओके। अभी आप अपने बारे में बताएं। मैं मनु सोनी से सोनभद्र उत्तर प्रदेश से आया हूँ। सो आपका नाम बता दें हमारे दर्शकों से। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मनु सोनी है, मैं सोनभद्र उत्तर प्रदेश से आया हूँ। ओके। मैं CRT का काम करता था, LCD का आपका YouTube चैनल को देख करके, और LCD LED का भी काम करता है, लेकिन अपने आप को अपडेट होने के लिए मैं यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आया हूँ। ओके। आपको कैसा लगा अभी तक का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा सर। ट्रेनिंग में आपको एक्चुअली हर वो सेक्शन के बारे में जानकारी दी गई जो आप सीखने आए थे, इसके आधार पर मैं बहुत काम कर लूँगा आगे। ओके, कोई परेशानी नहीं है। ग्रेट। सो आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है CRT? 89 से काम कर रहे हैं CRT का। ओके, ग्रेट। अभी मुझे लगता है कि आप हर बॉल पे 6 मारेंगे आराम से, ठीक है, और प्रैक्टिस के साथ आप चमकेंगे, है ना। Okay. आशीर्वाद रहा, आप लोग बहुत आगे। नहीं, आशीर्वाद के साथ साथ आपकी खुद का कर्म भी, हाँ मेहनत जरूरी है, ठीक है। ओके। आशीर्वाद तो हमेशा रहेगा ही, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। या 3। हेलो फ्रेंड्स, एक और हमारे जो स्टूडेंट हैं वो कहाँ से आए हैं आप एक्चुअली? छत्तीसगढ़ से आया हूं। ओके, आपका नाम? चंद्रशेखर। ओके, आपका टोटल एक्सपीरियंस CRT टीवी का? CRT नहीं सर, डायरेक्ट LED टीवी में ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस। 1 ईयर से पहले, उससे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का बिल्कुल नॉलेज ही नहीं? ओके, मतलब आप 1 साल पुराने हैं। जी सर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे साथ जरूर आप एक्सपर्ट बनेंगे। जी सर जी। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर? बहुत अच्छा रहा सर यहाँ पे। ओके, ग्रेट। अभी आपको लगता है कि आप कुछ काम कर लेंगे? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे। जबकि आपकी तबीयत इतनी डाउन रही, फिर भी मैंने देखा कि आप बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश कर रहे थे। जी सर जी। सो यहाँ पर सारे कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखा गया? जी जी सर। ओके, इवन हम हमारे दर्शकों को आपका चेहरा तक नहीं दिखा रहे, मास्क पहना हुआ है, हम उतारने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं, तो कोरोना गाइडलाइंस का खास ध्यान रखा गया है यहाँ पर। ओके, थैंक यू। सो दोस्तों, एक और स्टूडेंट हैं जो कि आंध्र प्रदेश के हैं ना, और ये अपना जो इंट्रोडक्शन है वो तेलुगु में देंगे। आपका नाम क्या है? रवि अंडे। इनका नाम रवि है ऐसा बोल रहे हैं ये, इनको थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है, और हिंदी समझ पाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, तो वो जो भी बोल रहे हैं वो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। आपको कितना साल हुआ इस फील्ड में? 10 ईयर्स।
इनका टोटल एक्सपीरियंस सीआरटी टीवी को काउंट करते हुए 10 साल का हुआ है, और आप अभी जो आप यहाँ पे आए तो किस तरह से आपको पता चला, मतलब आप यूट्यूब में या कैसे पता चला? ओके ओके चलो बढ़िया, हिंदी तो बोल गए वो, अपने आप से मुझे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। और अभी टोटल एक्सपीरियंस यहाँ का कैसा रहा आपको, मतलब कैसा लग रहा है कि यहाँ पर ट्रेनिंग किस तरह से मिली आपको? अच्छा से मिला सर, पैनल के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। हाँ, ये इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक बेस्ड रहा इस बार, क्योंकि हमने पहले आते ही सभी से पूछा कि आप लोगों को किस बेसिस पे ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए, तो उन्होंने बोला हमारा सॉफ्टवेयर एक अटकती हुई वो है, सांसें अटक जाती है हमारी सॉफ्टवेयर में, पैनल में अटक जाती है, ठीक है, और यूनिवर्सल बोर्ड फिट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो जो भी चीज़ें हैं उस पर ही हमने बेस्ड रखा इस बार की ट्रेनिंग। सो ज़्यादातर हमने सॉफ्टवेयर पे दिया। आपने यहाँ पर रीबॉलिंग करना सीखा? रीबॉलिंग स्टेंसिल पे रख कर किस तरह से शोल्डर फ्लक्स लगा के आप हीट करके बॉल्स बनाते हैं आईसी पे, राइट? तो आपको पता चल गया कि किस तरह से रिबॉलिंग होती है, बाकी तो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना ही देगी, लेकिन रिबॉल कैसे करते हैं बताया गया इधर, है ना, मतलब नैंड फ्लैश आप आईसी निकालोगे तो दोबारा लगा भी लोगे। आपको एक और चीज़ दिखाई गई यहाँ पे, जो कि नैंड फ्लैश आईसी आप उठाओगे बिना बॉल बनाए, वापस रखोगे और सेट ओके हो जाएगा, वो भी दिखाया गया आपको। सो नॉर्मली हम ईएमएमसी पिन आउट लेते हैं तो नैंड आईसी को निकालना पड़ता है ना, तो आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोचकर ही नहीं उठाते उसको कि वो वापस लगा पाएंगे कि नहीं, और वो आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं होती है। सो यहाँ पर हम वो भी प्रैक्टिस करवाते हैं, मतलब ये मैं खुद से करता हूँ लेकिन बाकी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे कि किस तरह से वो काम होगा, वो आपको लाइव देखने के बाद आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो हमने एक और चीज़ इन्वर्ट की है इस बार की ट्रेनिंग में कि हम रिबॉलिंग करना भी सिखाते हैं, ठीक है, और ईएमएमसी पिन आउट किस तरह से लेते हैं एंड्रॉयड बोर्ड्स के लिए वो भी हमने सिखाया, कमांड क्लॉक डेटा ज़ीरो, ये पिन्स कहाँ से आती है। सो शुक्रिया रवि, और मुझे लगता है कि आप हिटमैन रहेंगे इस ट्रेनिंग के और बहुत अच्छा काम करेंगे आप आगे, शुक्रिया। सो दोस्तों, हमारे एक और स्टूडेंट हैं जो कि पहले से ही बहुत सारी जानकारी थी इनके पास, लेकिन वो उनकी जो डाउट्स थे और उनके अंदर जो एलईडी टीवी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उसके लिए वो ट्रेनिंग लेने आए यहाँ पर। एक और स्टूडेंट हमारे, ये छठे स्टूडेंट है, सातवां बाकी है जो कैमरामैन बन के बैठा है उधर। सो आप अपने बारे में बताएं पहले, आपका नाम? दोस्तों, मेरा नाम विघ्नेश रेड्डी है, मैं आंध्र प्रदेश कर्नूल डिस्ट्रिक्ट नंदन से हूँ। मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ सीआरटी टीवी में। कितना टाइम हुआ आपको एलईडी टीवी में? 2 साल से आप काम कर रहे हैं एलईडी टीवी के साथ, सीआरटी पूरी तरह छोड़ते हुए कि सीआरटी के साथ? सीआरटी साथ। ओके, मतलब पूरी तरह छोड़ा नहीं था आपने? नहीं। ओके, और आपको कैसे पता चला यहाँ पर ट्रेनिंग चलती है और मेरे बारे में वगैरह? यूट्यूब के बारे में सर, यूट्यूब के द्वारा। अच्छा, यूट्यूब, मतलब ये बात तो अच्छी हो गई कि मेरा जो पैसन था, मेरा शौक यूट्यूब पे मेरे वीडियो डालने का शौक, उसी के बदौलत आप मेरे पास आज आए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, और ये चौथा दिन है। आपको किस तरह का एक्सपीरियंस लगा पूरा जो ट्रेनिंग का सेशन रहा, हमने रिबॉलिंग से लेके ईएमएमसी पिन आउट निकालने से लेके आपको बताया यूएफआई बॉक्स के बारे में और RT809H प्रोग्रामर, एफ प्रोग्रामर से कैसे एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर्स लेते हैं, वो सारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा सर, वो मैंने पहले से तो कुछ डाउट से फंस गए थे, वो सभी डाउट आज कल से क्लियर हो जाएगी शायद। आपके जो भी डाउट हैं हमारे दर्शकों के सामने भी पूछ सकते हैं एक एक करके, आप कोई एक भी डाउट है तो अभी बताएं। आपका डाउट बता दें कि आपको जो अभी तक मैंने नहीं बताया जो वो डाउट आप, सो आपका डाउट था वो बता दें आप कि क्या डाउट था आपको। मेरे पास एक 28 सेट थी सर सोनी,
फिर से क्लियर कीजिए मॉडल नंबर. सोनी मॉडल नंबर 32EX520. इसमें नो साइड कॉफ है, डबल इमेज आ रही है. साइड कॉफ नहीं है और डबल इमेज है सर, डबल इमेज. हाँ, और उसके साथ स्लो भी है पैनल. हाँ, स्लो भी है. ओके, मतलब अगर जो देखो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि स्लो आपको, जैसे कि मैंने बताया, VGH वोल्टेज एंटर नहीं होता है पैनल के अंदर, ठीक है. CKV सिग्नल्स बनते हैं लेवल शिफ्टर IC से, और लेवल शिफ्टर IC में VGH VGL इनपुट होते हैं जो कि टिकॉन बोर्ड पे या सोर्स PCB पे होते हैं, ठीक है. क्योंकि VGH वोल्टेज जाते ही नहीं है गेट एरिया में, तो VGH वोल्टेज से रिलेटेड जो फॉल्ट है और साथ में डबल इमेज, एक ऐसे फॉल्ट हैं जो रिपेयरिंग के बाहर होते हैं. सो इनको रिपेयर करना मतलब नामुमकिन है. हाँ, रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन किस तरह से, लेज़र मशीन से. ट्रैक कट करके जॉइन भी करना है आपको लेज़र मशीन से, तो ये दोनों चीज़ होगी, लेकिन लेज़र मशीन पे ही ये फॉल्ट रिपेयर हो पाएगा. देखिए, ऐसे कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती है. मुमकिन बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा मशीन की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि बॉन्डिंग करने के लिए पैनल बॉन्डिंग मशीन है, तो अंदर की गेट लाइंस जली हुई है, उसको काटने के लिए और जोड़ने के लिए लेज़र मशीन से, ठीक है. तो ये लेज़र मशीन पे रिपेयर हो पाएगा, लेकिन नॉर्मल आप ये रिपेयर नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल विदाउट मशीन, ठीक है. सो दोस्तों, एक और लास्ट स्टूडेंट जो कि कैमरामैन था इसलिए लास्ट में आए, यहाँ पे अभी बताएंगे अपने बारे में. आपका नाम? सजल देव. आप कहाँ से हैं? त्रिपुरा से. त्रिपुरा मतलब जो अभी आसाम से अलग हो गया है वो त्रिपुरा अलग स्टेट हो गया. और आपको कैसे पता चला मेरे बारे में? यूट्यूब से. और आपको पूरी जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, अगर जो कहा जाए तो पूरा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? आपको हर वो जानकारी दी गई जिसको आप सीखने आए थे इधर? और अगर जो मैं कहूँ कि वो आपने सोचा नहीं था, वो चीज़ जो आपको यहाँ आके मिली वो क्या थी? जो पैनल डबल इमेज नो पिक्चर. नहीं, वो तो ठीक है, वो तो मैं सिखाता ही हूँ अपनी हर एक ट्रेनिंग में. कुछ नया देखने के लिए मिला आपको इस ट्रेनिंग में? यस, राइट. मैं यही सुनना चाहता था आपसे. सो इस ट्रेनिंग में हमने इंक्लूड किया एक सब्जेक्ट जो कि रिबॉलिंग से रिलेटेड है. ज़्यादातर लोगों को एक प्रॉब्लम रहती है इसमें. मैंने देखा ये चीज़ कि खुद भी महसूस किया ये चीज़ कि नैंड फ्लैश IC, क्योंकि मेरे को पिन आउट चाहिए, तो मैं CKV सिग्नल कमांड एंड क्लॉक, नॉर्मली हम DSO से चेक कर सकते हैं, लेकिन हाई एंड DSO की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए. और दूसरा, हम एकदम ठीक से नहीं बोल पाएंगे कि वो CKV सिग्नल है या कमांड सिग्नल है, जिस पे हमारे फ्लाई लाइंस लगेंगे, मतलब वायरिंग ISP की, EMMC ISP की वायरिंग लगेगी. सो उसके लिए बॉल्स मतलब IC उठानी पड़ती है, नैंड फ्लैश, ठीक है. नैंड फ्लैश IC उठेगी, बाद में हम बॉल्स को ट्रेस करेंगे आउटपुट में, पिन आउट कहाँ जा रहा है उसका, तभी पता चलेगा. मतलब IC उठानी पड़ेगी, IC उठाइए तो लगानी भी पड़ेगी आपको. सो वो रिबॉलिंग प्रोसेस होता है कि हमको दोबारा से रिबॉल करना आना चाहिए. एक चीज़ हमने दिखाई कि बिना रिबॉल किए भी किस तरह से IC लगाई जा सकती है. मतलब हमने बॉल नहीं बनाए, ओल्ड बॉल्स जो उसमें ऑलरेडी थे, IC उठाई और लगाई और TV चालू हो जाए, तो वो भी हमने सिखाया इस बार. सो काफ़ी लोग, अगर जो आपके पास स्टेंसिल नहीं है, महंगी स्टेंसिल्स, जैसे कि वहाँ यूनिवर्सल स्टेंसिल का सेट लेते हैं, फिर जैसे मार्वल का ये स्टेंसिल सेट आता है यहाँ पर RB01 नंबर का, ये स्टेंसिल सेट महंगे हैं, 2200 या 2500 रुपये के, ये 5 का या 6 का सेट आता है, ठीक है. इसके अंदर सभी स्टेंसिल होती है, लेकिन कुछ ICs के लिए ये काम नहीं आती. जैसे हमारी जो IC है 4G वाली, मतलब जिसमें 4GB का डेटा स्टोरेज होता है, वो IC इसमें फिट नहीं होती. नैंड फ्लैश की 153 होती है, लेकिन उसकी जो साइज़ होती है वो छोटी होती है 4G की, तो वो फिट नहीं होती है, तो कई जगह काम नहीं लगती है. तो हमने क्या सिखाया कि IC निकालो, दोबारा फिट करो, किस तरह से निकाल के दोबारा बिना स्टेंसिल के लगा सकते हो वो सिखा दिया.
तो मेरी ट्रेनिंग में एक एक्स्ट्रा चीज़ और सीखने मिलेगा, वो ये है रिबॉलिंग करना। सो दोस्तों, मेरी ट्रेनिंग में आने का बहुत सा फ़ायदा है, जिसमें से ये एक मैंने आपको बताया, जो कि कोई भी ट्रेनिंग में ये चीज़ सिखाई नहीं जाती, जो आसान तरीके से आसान लैंग्वेज में सिखाई जाती है। सो अभी हमारे सभी स्टूडेंट्स को मैं यहाँ बुलाऊँगा और सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्नॉलेज करेंगे, फिर बाद में हम ये वीडियो को एंड करेंगे। सो सभी स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ आ जाएं। यहाँ पे हमारे 7 स्टूडेंट्स हैं, सबके सब आ गए हैं और आप देख रहे होंगे सभी ने कोरोना गाइडलाइंस का फुल पालन किया है। सो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं ट्रेनिंग लेने, यहाँ पर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सारा टेंशन अपने ऊपर लिया हुआ है। और सभी को मास्क पहनाता हूँ, मैं मास्क नहीं पहनता बिकॉज मेरे इसमें चश्मे में फोग आ जाता है, तो मैंने मास्क सभी को पहना रखा है। और ये ट्रेनिंग सक्सेसफुल बने इसके लिए पूरा ध्यान रखा जाता है, हर वो जानकारी दी जाती है जो सीखने के लिए यहाँ हमारे स्टूडेंट्स आए। तो पूरा ट्रेनिंग आपको कैसा लगा? बढ़िया, आप एक्नॉलेज कर सकते हैं, किस तरह से मुझे पता नहीं, लेकिन शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक्स ए लॉट, बाय। अगली ट्रेनिंग मेरी चंडीगढ़ में है, कोलकाता में है और अहमदाबाद में हर महीने होती है। नेक्स्ट ट्रेनिंग अहमदाबाद के लिए वो है 26 तारीख को इस महीने, और उसके बाद 26 तारीख को अगले महीने, और उसके बाद अक्टूबर में मैं डेट दूंगा। चंडीगढ़ की ट्रेनिंग 20 तारीख को शुरू होगी अगले महीने, जो कि 20, 21, 22 को चंडीगढ़ में रहेगी। चंडीगढ़ के आसपास वाले लोगों को कहूँगा कि चंडीगढ़ में आ जाए, और कोलकाता के आसपास जो रहते हैं, कोलकाता या उड़ीसा या कहीं भी इसके आसपास, तो वो मेरी ट्रेनिंग लेने आ सकते हैं कोलकाता में, जो कि कोलकाता में 15 नवंबर को है, 15, 16, 17 नवंबर को ये ट्रेनिंग रहेगी कोलकाता में। और उसके लिए भी आप सीट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं ट्रेनिंग की ज़्यादा जानकारी लेने के लिए। शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक्स ए लॉट, बाय।